दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है रामगंगा नदी के पास बना एक बहुत ही पुराना मंदिर। यहाँ के लोकल पर्संस बताते हैं कि ये लगभग 150 साल पुराना है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो आइए इस मंदिर के अंदर चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस समय हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, हालाँकि मेन एंट्रेंस ये नहीं है। थोड़ा अंदर आने के बाद में आपको रामगंगा नदी देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू ये देखने को लगता है क्योंकि आप देख सकते हैं रेलवे के ब्रिज हैं और उनकी कितनी अच्छी परछाई आपको देखने को मिलती है पानी के अंदर। आप ये देख सकते हैं जो रामगंगा नदी है उसकी मेन स्ट्रीम अभी बदल गई है। पहले सामने की तरफ ही वो बहा करती थी लेकिन अब उसकी जो धारा है वो बदल गई है और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से अब वो बहती हुई आ रही है। तो ये जो बदलाव है वो समय के साथ आ चुका है। और आप देख सकते हैं मंदिर के तरफ और अंदर हम चलते हैं और जब नीचे की तरफ उतरते हैं यहाँ पर घाट बने हुए हैं जहाँ आप नदी के आसपास भी जा सकते हैं, यानी कि बिल्कुल नदी में जा सकते हैं। बेसिकली जब दशहरा वगैरह होता है तब पानी का जो लेवल है काफ़ी अच्छा रहता है, बट अभी ऐसा नहीं है तो बिल्कुल अभी हम बेस में आ चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा कम पानी है, लगभग 1 फुट पानी भी नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं अगर आप मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। साथ ही मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है और काफ़ी कम लोग हैं इस समय पर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को करते हैं ये ख़त्म और इसी तरीके के आप सीनिक व्यूज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।